इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारा अकेडमिया है पूरा, ये तालीम दे रहा है, ये तरबियत नहीं दे रहा। जब भी किसी प्रोफेशनल स्कूल से कोई भी स्टूडेंट पढ़ के और वो बाहर निकलता है, तो उसको जो दुनिया दिखाई जाती है वो दुनिया कदरे मुख्तलिफ होती है बाहर आके। हमें पढ़ाया जाता है कि आप इन इन उसूलों पे काम करें, इन पे काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे ही वो बच्चा दुनिया में कदम रखता है, प्रोफेशनल लाइफ में आता है, वो सारे के सारे उसूल धरे के धरे रह जाते हैं। उसको कुछ और स्किल सेट्स चाहिए होते हैं, उसको कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं जो उस तालीम के अलावा हैं, जिसको तरबियत कहते हैं। और उस तरबियत में वो स्किल्स हैं, वो कम्युनिकेशन की स्किल हो सकती है, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल हो सकती है, उस स्किल में और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। वो लोगों से बात करना और उनको अपनी बात समझाने की स्किल हो सकती है। हो सकता है आप मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग में बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लेकर आ गए आप, लेकिन उस आइडिया की एग्जीक्यूशन के लिए आपको अपनी टीम से बात करनी है। अगर आपको बात करने का फ़न नहीं आता, अगर अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना ही नहीं आता, अपनी टीम तक पहुंचाना नहीं आता, तो इन दी एंड क्या होगा? इन दी एंड ये होगा कि वो बेहतरीन आइडिया ज़ीरो हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट एक ऐसा शख्स जो बिजनेस स्कूल पढ़ के आया, साथ उसको कम्युनिकेशन स्किल भी दी गई या वो सॉफ्ट स्किल भी दी गई, तो अपने उसी आइडिया को, हो सकता है वो आइडिया बहुत ही सतही लेवल का हो, लेकिन वो आइडिया ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिकेशन से एग्जीक्यूट कर सकता है। तो एक फ़र्क तो यह है कि मतलब बिजनेस स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें एडिशन होना चाहिए। उसमें एडिशन होना चाहिए सॉफ्ट स्किल का, उसमें कम्युनिकेशन का होना चाहिए, उसमें एटीट्यूड का होना चाहिए। ये वो सेल्फ हेल्प की चीज़ें जो होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ अगर ये बिजनेस स्कूल पढ़ाना शुरू करें तो हमारे यहाँ सिर्फ तालीम, GPA और सिर्फ ग्रेड लेके लोग ना निकलें, वो शऊर लेके, वो चीज़ें लेके निकलें जिनकी बेपनाह ज़रूरत है इस वक्त। यार सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। उसका रीज़न ये है कि ये सवाल हर मैं जिसका इंटरव्यू करता हूँ, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव से प्रोडक्ट मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, वो ये तो ज़रूर बता देता है कि सर ब्रांडिंग होती क्या है, सर मार्केटिंग होती क्या है। लेकिन जब आप उससे बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है कि इसको एग्जीक्यूट करो, तो उसके पास वो वाली स्किल्स नहीं होती। उसके पास एजुकेशन है, उसको पता है मार्केटिंग प्लान बनाना कैसा है, इसका कंपोनेंट क्या क्या होता है, इसके कौन कौन से की एरियाज़ हैं जिस पर मैंने काम करना है। वेन समबडी इज़ मेकिंग दिस प्लान और जब उसकी एग्जीक्यूशन की बात करें, तो फिर कुछ और स्किल्स चाहिए। फिर जिसकी मैंने बात आपसे की, वो स्किल्स चाहिए जिसमें आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे कि आपका 90% ग्रेड है और आपका इंटरपर्सनल स्किल्स ये है कि आप किसी से बात ही नहीं करते, आप किसी को अपने लेवल का समझते ही नहीं है कि अगर ये छोटा आदमी है तो मैंने इससे बात कैसे करनी है और इससे इसको अपनी बात समझानी कैसे है। हम उस खुमार में रहते हैं क्योंकि मैं ग्रेड वाला आदमी हूँ, मेरा तो GPA इतना था और मेरा तो स्कूल में ग्रेड इतना था, तो मैं इससे क्यों बात करूँ? जबकि ये बात बहुत ज़रूरी है। उस बात से आपकी टीम आपके साथ इंगेज भी होती है और आगे चल भी पाती है। तो बहुत ज़रूरी है सर, आई थिंक बेपनाह ज़रूरत है इस काम की और हमें और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बेपना ज़रूरी है। आई थिंक अगर आप लीडिंग पोजीशन पर हैं, किसी इदारे में ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ आप डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, तो वहाँ अपना विजडम शेयर किए बगैर आप चल नहीं सकते आगे। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि अपनी टीम को, अपने लोगों को या अड़ोस पड़ोस में जो आपके साथ अलाइन है उसको ये बताएं कि हमें जाना कहाँ है, इसके लिए हमें करना क्या है। तो पहले जाना कहाँ है उसका तायुन करना, उस तायुन करने के बाद उसके वो कंपोनेंट्स देखना कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमारे पास मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज मौजूद नहीं है लेकिन हो सकती हैं, और फिर उन चीज़ों का जमा करके और उनके पीछे लग जाना कि जनाब अब इन चीज़ों को एक एक करके अपनी लाइफ में, अपने इदारे में, अपने घर में, अपने माहौल में ऐड करना है, ताकि वो जो हमारा अल्टीमेट विजन, जो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँच सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो विजडम है अपनी टीम के साथ शेयर करें। जब भी कलेक्टिव विजडम शो शेयर होता है तो डेफिनेटली उसके साथ एक और नई राह बन जाती है। कुछ ऐसे माइंडसेट शेयर होते हैं आपके साथ जो आइडिया आपको आज से पहले नहीं आया होता, आपको एक सबसे जूनियर मोस्ट आपको दे रहा होता है। तो शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही है, ना सिर्फ प्रोफेशनल। जब तक आप शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग दूसरे को बता नहीं पाते। जैसे ही आप अपनी फीलिंग दूसरे को बताते हैं तभी उसको अंदाज़ा होता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है।
तो बेसिकली हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं कि देखो यार, मैं आपको आज यहाँ खड़े हो, आप इस इदारे में डायरेक्टर, इससे ऊपर या इससे ऊपर भी जा सकते हो, अगर अपनी इन तीन चार चीज़ों को, ये वो ट्रेड्स होते हैं जो बिजनेस स्कूल के अलावा सिखाए जाते हैं। बिजनेस स्कूल में आपको स्ट्रेटजी आपको सिखाया जाएगा, मार्केटिंग प्लान आपको सिखाया जाएगा, ब्रांडिंग के कौन कौन से नए आइडियाज़ हैं, आप किस तरह से ब्रांड कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ये जो बाकी सॉफ्ट स्किल की बातें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, आई थिंक बेपनाह ज़रूरी है। शेयरिंग तो मेरे ख्याल से एक ऐसा, शेयरिंग तो बेसिकली आपकी डेस्टिनेशन पे जाने का एक बीच का पीरियड है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। बेपनाह ज़रूरत है, आई थिंक हमारे तो मुल्क को बड़ी ज़रूरत है इसकी। देखिए जी, बात यह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त स्ट्रेस, डिप्रेशन इंतहा का है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई तो हो जो बैठ के ये बात करे ना, कोई तो हो जो ये कहे कि जनाब बात यह है कि गुस्सा करना भी गलत बात है। और हम रोडों पे, सड़कों पे पढ़े लिखे लोगों को उन हालतों में देखते हैं जिन हालतों में उनको नहीं देखना चाहिए हमें। उसका एक रीज़न ये है कि इस वाले एलिमेंट पे काम कोई नहीं कर रहा। आई थिंक बेपनाह ज़रूरत है, हमें इस तरह के इदारे, इस तरह के लोग और इस तरह के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए जो सॉफ्ट स्किल पे बात करे, लोगों से बैठ के बात करे, उनको समझाए कि जनाब ज़िंदगी मशीन का नाम नहीं है, ज़िंदगी इसके अलावा कुछ है। ज़िंदगी ये नहीं है कि हमने पढ़ना है, पढ़ने के बाद ग्रेड लेना है, ग्रेड लेने के बाद नौकरी करनी है, नौकरी करने के बाद शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनको बड़ा करना, मर जाना है, इसके अलावा कुछ और है। मतलब अगर हम अशरफुल मखलूकात हैं और हमें दुनिया में भेजा गया है, इसका कोई मकसद है? वो मकसद ये नहीं है जो मैंने आपको शुरू में बातें बताई, ये इसके अलावा है, इससे बड़ा है वो। उस मकसद को ढूंढने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि यार मैं आया क्यों हूँ, मैंने करना क्या है, और इस टॉपिक पे लाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, इस तरह के इदारे बड़े ज़रूरी हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि ये सारी बातें, लेकिन सर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बातों से खुदकुश हमलावर बन जाते हैं, बातों से, वो कोई इंजेक्शन नहीं लगाते। तो सर लोग बातों से लोग क्यों नहीं बदलेंगे, वो लोग बदल रहे हैं। आप हकीकत जानिए, इस तरह के स्पीकर कासिम अली शाह साहब ये काम कर रहे हैं, आप देखें, मैंने ज़ाती तौर पे उनके पेज पे चीज़ों पे देखा है कि लोग उनकी बातें सुन के बदल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। बस इन बातों को हमें प्रमोट करना चाहिए, इन बातों को हमें चाहिए कि हम किस तरह से इन बातों में और अमल ले आएँ, बजाय कि इनको बातों तक रखें। मज़ा तो उस वक्त है ना कि जो बातें कही जा रही हैं उस पर अमल किया जाए, और फ़र्क ही यही है कि हम बातें तो किताबों में पढ़ते हैं, ये जो मैंने आपसे बातें की सब किताबों में मौजूद हैं, कितने लोग इस पर अमल कर रहे हैं? सक्सेसफुल वही होता है जो उस पर अमल करता है और मुश्किलों का सामना करता है और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखता है, लर्निंग सीखता है, तो वो आगे बढ़ जाता है।